अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सुलेमान्स किचन। मैं हूं आपका होस्ट सुलेमान। आज की हमारी डिश है शाही मटन कोफ्ता वाली डिश। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही डिलीशियस कोफ्ते और बहुत ही मज़ेदार जो है ग्रेवी बनी है। तो आए देखें कैसे इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याजें ली हुई हैं, जिनको मैंने फ्राई कर लिया, यानी कि फ्राइड अनियंस हैं। अच्छे से जो है ये ड्राई हो गई हैं, क्रिस्पी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 750 ग्राम्स मटन मिन्स, यानी कि बकरे का कीमा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। 750 ग्राम कीमा है। इसमें 10% यानी कि 70 से 80 ग्राम, 70 to 80 ग्राम्स मैंने फैट को मिक्स किया, यानी कि चर्बी को, जिसे जो है बाइंडिंग कोफ्ते की अच्छी होती है। और इसे मिक्सर में मैंने ग्राइंड करके जो है अच्छे से इसको जो है एकदम फाइन बना लिया है। तो आए मसाले अब हम इसमें ऐड करते हैं। तो मसाले ऐड करने में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, फिर 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करते हैं, फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए ऐड करेंगे 2 टीस्पून जो है हरी मिर्चें और जो है धनिया पत्ते का जो मिक्सर मैंने ग्राइंड करके बनाया हुआ है उसको ऐड करते हैं, 2 टीस्पून है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून जो है अदरक का पेस्ट और 1.5 टीस्पून जो है हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। फिर आगे बढ़ते हुए ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून जो है काजू और बादाम का पेस्ट। तो लीजिए, अच्छे से 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे जो है कोफ्ते एकदम अच्छे से रिच बनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियंस। मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के ऐड कर रहा हूँ, जिसको मैंने फ्राई किया था। टोटल 5 मैंने की थी, उसमें 2 मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अभी। तो लीजिए, यहाँ इस मौके पर जो है मैंने इसमें थोड़ा सा जो है बेसन भी ऐड कर दिया, यानी कि 4 टेबलस्पून बेसन भी मैंने ऐड किया है। कैमरे में शूट नहीं हुआ है। तो लीजिए, 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं, इवनली जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून जो है घी। तो लीजिए, 2 से 3 टीस्पून जो है घी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसको भी एक बार मिक्स कर लेते हैं, इसे जो है मॉइस्ट अच्छे से बने रहेंगे कोफ्ते एकदम। तो लीजिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं, मैरिनेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, अब जितना कोफ्ता आपको चाहिए उस हिसाब से जो है आप इसमें क्वांटिटी का हिसाब से आप अपने मैरिनेट आपने जो है मिक्सचर को ले लें। तो लीजिए, इस हिसाब से लेकर के मैंने इसमें कोफ्ता बनाना शुरू कर दिया है। दोनों हाथों पर मैंने पहले से ही घी लगाया हुआ था। तो लीजिए, अच्छे से जो है हम इसको एकदम इवनली जो है रोल करते हुए इसको एकदम जो है राउंड आने तक इसको हम रोल करेंगे। तो लीजिए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, एकदम शाइनी, लचीला और एकदम जो है बिना कोई क्रैक के एक कोफ्ता जो है बन चुका है। इसी हिसाब के सारे हम बनाएंगे। तो लीजिए, यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने ली है, जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने ऐड किया है 50 ml तक जो है सनफ्लावर ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। तो अच्छे से जैसे गर्म होता है ऐड करते हैं हम इसमें जो है दालचीनी, फिर हम इसमें ऐड करते हैं इलायची और फिर हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। तो लीजिए, इन सारे गर्म मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून लहसुन का जो है मैंने पेस्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अच्छे से जो है इसको फ्राई कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई करेंगे, ताकि जो है इसके रॉस मिल जाए। तो लीजिए, 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हम। फिर हम इसमें ऐड करते हैं तकरीबन 2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो लीजिए, धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर। फिर लगभग एक क्रश्ड पेपर्स हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून। फिर 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया पाउडर। अच्छे से जो है इसको सौते करेंगे और 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करें, ताकि रॉस मिल जली जाए। तो लीजिए, तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अच्छे से जो है ये फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जलने लगेंगे। तो लीजिए, अच्छे से फ्राई करने के बाद 3 जो बाकी की मीडियम साइज़ जो फ्राइड अनियंस थी, मैंने उनको भी अब इसमें जो है ऐड कर दिया है। अच्छे से जो है इसको सौते एक बार कर लेंगे, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनियंस पहले से ही पकी हुई हैं। तो लीजिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसमें ऐड करते हैं कोकोनट का पेस्ट। आप यहाँ पर ड्राई कोकोनट पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कोकोनट मिल्क भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए, कोकोनट पेस्ट मैंने 3 टीस्पून जो है टोटली ऐड किया हुआ है इसमें। अच्छे से इसको भी जो है सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद इसको भी जो है 2 मिनट तक के लिए हमको पका लेना है। पकाना, बीच में थोड़ा सा पानी जो है हम चाहें तो आप डाल करके जो है पका लेंगे। ये भी मैंने कोकोनट पेस्ट ऐड किया हुआ है अभी। टोटली 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है।
तो आए हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, एक या दो बार इसी तरीके से आप पानी डाल करके उसको जो है फ्राई कर लें। इससे यह होगा कि कोकोनट की जो रोशनी है वो जाएगी और जो अच्छे से उसका मिल्क जो है बाहर आ जाएगा। तो लीजिए काजू और बादाम का पेस्ट, फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 टीस्पून। इससे जो ग्रेवी की जो रिचनेस होगी वो बहुत ही अच्छे से बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही एनहांस होगा इससे। तो लीजिए अच्छे से इसको भी एक बार मिक्स करते हैं। तो लीजिए मिक्स करने के बाद जो है अब इस मौके पर हम ऐड करते हैं दही। दही मैं यहाँ पर 300 ml डाल रहा हूँ, फिर आगे चल करके और 150 ml मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। टोटली 450 ml तक मैंने इसमें दही डाली हुई है। तो लीजिए फिर 150 ml मैंने दही डाल दिया है, टोटली 450 ml दही मैंने इसमें डाली है। अच्छे से जो है इसको मिक्स करते हैं। तो लीजिए अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक के लिए हमको इसको पकाना पड़ेगा। तो लीजिए अच्छे से इसको पका लेते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो लीजिए यहाँ पर जो कोफ्ते आप देख रहे हैं सारे बनकर के तैयार हो चुके हैं, यानी कि कोफ्ते रॉ हैं, अभी पके हुए नहीं हैं। तो आज जब तक कि ग्रेवी पक रही है हम कोफ्तों को भी जो है फ्राई कर लेते हैं एक बार। तो लीजिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, ओपन पैन है, जिसमें जो है मैंने तेल डाला हुआ है। शैलो फ्राई हम करेंगे इसलिए कम तेल मैंने डाल रखा है। तो लीजिए कोफ्ते इस तरीके से जो है हम इसमें रख देते हैं। अब जो है कोफ्ते को तकरीबन 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी कि 1.5 मिनट में जो है सारी ओर इसको जो है फ्राई कर देना है। तकरीबन 30-30 सेकेंड में हम इसको पलटते रहेंगे। 1.5 या 2 मिनट से ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कोफ्ते इसी में सारे पक जाएंगे। तो लीजिए इस तरीके से 30-30 सेकेंड में हल्के से मैं इसको पलट रहा हूँ और जो है इसको हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से फ्राई करते हुए जो है सारे कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पैन अगर हम खींच करके आगे कर लें तो जो है तेल एक जगह पर अक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर जो है तेल से जो है हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो लीजिए इस तरीके से तेल आगे अक्यूमुलेट हो गया है सारा, यानी कि सारा बह करके सामने आ गया है तेल। तो अब हम जो है कोफ्तों को इसी में जो है एक हिसाब से जो है फ्राई कर सकते हैं, जो कि शैलो भी या डीप फ्राई आप इसे कह सकते हैं। अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे इस हिसाब से अगर आप करेंगे, तेल कम भी लगेगा और जो है कोफ्ते अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो लीजिए इस हिसाब से जो है सारे कोफ्ते हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए इवनली जो है सारे कोफ्ते अब तक फ्राई हो चुके हैं सारे। तो आए अब हम इसको जो है निकाल लेते हैं। तो लीजिए सारे कोफ्तों को मैंने इसी तरीके से सारे फ्राई कर लिए हैं, तकरीबन जो है 50% पके हुए हैं कोफ्ते। ग्रेवी भी जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो अच्छे से ग्रेवी भी बन चुकी है, दानेदार एकदम जो है छोटी छोटी हुई ग्रेवी ये बनी है, बहुत ही मज़ेदार ये लग रही है। आप जो है इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी ये बनी है। तो लीजिए नमक मैंने अब इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद एक बार मिक्स करके इसमें जो है आप पानी डाल देते हैं जिस हिसाब से ग्रेवी हमें चाहिए। तो लीजिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी को जो है ऐड किया हुआ है। तो लीजिए 1 लीटर पानी मैंने इस ग्रेवी में डाल दिया है। अभी अच्छे से इसको मिक्स करते हैं अब और एक बॉईल आने तक के लिए इसको हम पकाते हैं। तो लीजिए जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब इस मौके पर जो है हम कोफ्तों का ऐड कर देते हैं। इसमें हल्के से मैंने फ्लेम को जो है धीमी किया है, यानी कि सिमर पर डाला है। कोफ्ते सारे हम इसमें ऐड कर देते हैं और फिर जो है एक बार हल्के से इसको इवनली जो है पैन को रोटेट करते हैं, इसके हिसाब से जो है कढ़ाई से जो है ग्रेवी मिक्स हो जाएगी कोफ्तों में। तो लीजिए इस हिसाब से मिक्स हो गई है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है और काफ़ी पतली भी है, लेकिन जब तक ये पकेगा कोफ्तों के साथ तो एकदम गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी जितनी हमें चाहिए होगी। तो लीजिए अब हम इसको जो है ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 5 मिनट लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो लीजिए जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो 10 मिनट टोटली मैंने इसको पकाएं, 5 मिनट हाई और 5 मिनट लो फ्लेम पर। ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए थी उस हिसाब से जो है ग्रेवी थिक हो चुकी है और क्वांटिटी भी जैसे आप देख पा रहे हो ग्रेवी की कम हो गई है, अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी अच्छे से फैल चुका है। तो आएँ अब डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैं इसे डिश आउट करने लगा हूँ, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी लग रही है और कोफ्ते भी जो है एकदम जो है सक्यूलेंट बने हैं, एकदम जो है मुंह में घुलने वाले बने हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें,
शेयर करें हमारी इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार के लिए, तब तक के लिए इसे अपने घर में बनाना ना भूलें।